हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको चैट जीपीटी से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स देंगे और ये भी बताएंगे कि चैट जीपीटी के जवाब में गूगल ने अपना कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। तो आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं चैट जीपीटी के कुछ अपडेट्स पे। चैट जीपीटी ने 2 महीने के अंदर अपने 100 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। नवंबर 2022 में ये लॉन्च हुआ था। दिसंबर 22 में इसने अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे किए। जनवरी 2023 में इसने 57 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे किए और फरवरी 2023 में इसने 100 मिलियन सब्सक्राइबर अपने पूरे कर लिए हैं। और एक एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जनवरी 2024 तक ये 600 मिलियन सब्सक्राइबर अपने ऊपर रजिस्टर कर लेंगे। तो जिस तेज़ी से इनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चैट जीपीटी कितना पॉपुलर हो रहा है और आने वाले समय में इसको कंपटीशन देना एक बहुत टेढ़ी खीर होगी। उधर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट ओपन एआई में इन्वेस्ट कर रखा था। ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी की ऑर्गेनाइजेशन है, उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा अब माइक्रोसॉफ्ट को मिलना शुरू हो गया है। वो कैसे मिल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट के दो प्रोडक्ट हैं, बिंग जो उनका सर्च इंजन है और जो इनका वेब ब्राउज़र है एज, इन दोनों में चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब इस इंटीग्रेशन से कहीं ना कहीं एआई के प्लेटफॉर्म पे, एआई के मामले कंपटीशन में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आने वाले समय में आमने सामने दिख सकते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि गूगल ने अपने किस प्रोडक्ट के थ्रू इस चैट जीपीटी का जवाब दिया है। 6 फरवरी 2023 को सुंदर पिचाई जी, जो गूगल के सीईओ हैं, उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है और वो डिक्लेयर करते हैं कि हम अपने नए एआई बेस्ड टूल के साथ, नए चैटबॉट के साथ मार्केट में आ रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने बताया गूगल बार्ड, BARD। गूगल बार्ड जो है वो एक लैम्डा बेस्ड प्रोजेक्ट है। और लैम्डा क्या है? लैम्डा एक्चुअली गूगल का बहुत ही पुराना एआई बेस्ड टूल है, उसी पे इसको डेवलप किया गया है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं लैम्डा बोल रहा हूँ, LAMDA। ये लैम्डा फिजिक्स वाला लैम्डा नहीं है, उस वाले फिजिक्स वाले लैम्डा में वो बी आता है बीच में, ये लैम्डा है, LAMDA। इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। तो गूगल ने अपना नया प्रोडक्ट गूगल बार्ड के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। अब इसमें इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन फर्स्ट डे ही, जिस दिन इसका डेमो चल रहा था, उस डेमो में ही गूगल को 100 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। अब ये नुकसान कैसे हुआ इसको समझते हैं। अब जब इसकी लॉन्चिंग चल रही थी तो लॉन्चिंग में इसमें एक क्वेश्चन पुटअप किया गया, जैसे कि चूंकि ये इसका इंटीग्रेशन डिफरेंट टाइप का, इसका इंटरफेस एकदम अलग है, इसका इंटरफेस वैसे ही बनाया गया है कि आप इस पर कोई क्वेश्चन अगर डालें तो इसको आपको कंपाइल्ड आंसर मिलेगा, क्योंकि तो गूगल तो है नहीं कि गूगल की तरह उसने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, तो इनको आपको जो आंसर मिलना चाहिए वो बहुत ही कंसोलिडेटेड और एग्जैक्ट आंसर मिलना चाहिए। तो एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया, मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको इंग्लिश में ऊपर दे दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी में आपको बताता हूँ। जेम्स वेब स्केप टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप का के बारे में अगर हम अपने बच्चे को बताना, 9 साल के बच्चे को बताना चाहें तो कौन सी लेटेस्ट जानकारी हम उसको बताएं, ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो जब इस क्वेश्चन को पुट किया गया तो इसका आंसर गूगल बार्ड ने 3 पॉइंट में दिया और उस 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट कर गया, और उस 1 पॉइंट के कॉन्फ्लिक्ट करने की वजह से गूगल के शेयर डाउन हो गए और उसको 100 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। तो कहीं ना कहीं गूगल ने थोड़ा हड़बड़ी कर दी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, इसका इसकी चीज़ें टेस्टिंग या जो भी हो, जो भी उन लोगों से गलतियां हो गई हों, लेकिन बहरहाल गूगल गूगल है, वो अब इन तमाम चीज़ों को रेक्टिफाई कर रहा है और रेक्टिफाई करने के बाद इस पर फिर कुछ नया वर्क करके वो जल्दी इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी ये पब्लिक में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसके कुछ बीटा वर्जनस हैं जो इंटरनल लोगों को दिए गए हैं, उस पर इसकी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसका कोई ना कोई रेक्टिफिकेशन मार्केट में आ जाएगा। अब हम एक चीज़ ये समझते हैं कि जो गूगल का गूगल ने अपना बार्ड सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इस सॉफ्टवेयर में और चैट जीपीटी में फ़र्क क्या है? तो इनिशियल लेवल पे इसका जो फ़र्क सामने आया है अभी फ़िलहाल, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, चैट जीपीटी जो भी आंसर्स दे रहा है
वो अपने पुराने डेटाबेस पे दे रहा है, 2021 तक का जो डेटा उसके अंदर फीड है उस डेटाबेस के बेसिस पे ही आपको सारे के सारे आंसर वो कंपाइल करके दे रहा है। जबकि गूगल के साथ ऐसा नहीं है, गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो गूगल के साथ ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो जब आप गूगल बार्ड पे कोई क्वेश्चन पुट करेंगे तो आपको वो रिसेंट जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको कंपाइल करके आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। दूसरा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि गूगल ने अपने इसका इंटरफेस तो वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन जब आप गूगल बार्ड पे कोई क्वेश्चन सर्च करेंगे उसका आंसर तो आपको उसी फॉर्म में मिलेगा, कंपाइल फॉर्म में, लेकिन उसके नीचे आपको गूगल वो सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ से उन सारे आंसर्स को कंपाइल किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन रहा है। आने वाले समय में देखते हैं कि इसके भी इसमें और क्या हमको अपडेट्स मिलती है और कैसे ये मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। आज के एपिसोड में दोस्तों फिलहाल इतना ही। ये जानकारी आप अपने बच्चों के साथ और लोगों के साथ शेयर करिएगा। आने वाले एपिसोड में हम आपको साथ कुछ और अच्छी जानकारियाँ लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।